हेलो एवरीवन मॉर्निंग सलामैकम वेलकम टू दिलासा के मी एंड माय नेम इज़ सारून दिलाक टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5th फरवरी जो कि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के कश्मीरी इसको मना रहे और बेसिकली ये दिन इसलिए मनाया इसलिए इसको रखा गया था कि ताकि पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया जाए और इंटरनेशनल कम्यूनिटी को बताया जाए मगर क्या फिफ्थ अगस्त के बाद क्या ये दिन अफेक्टिव है तो एक सिंपल और स्टेट आंसर ये है कि नहीं उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि फिफ्थ अगस्त 2019 के बाद इंडियन अकोपायट कश्मीर का जो सारा सिनेरियो है जो सारी फ़िज़िकल रियलिटीज़ हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहस्ता बिल्कुल चेंज हो रही हैं और फिफ्थ अगस्त के बाद अब वहाँ पे इंडिया का प्लान किया था उनका प्लान ये था कि अब हम कश्मीर को अपने अंडर करके उसको यूनियन टेरिटरी बना के उसमें वो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि जिससे कश्मीर एक स्टेट नहीं रहेगी उसकी इटानमी ख़त्म हो जाएगी उनकी पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी और वो इंडिया के एक प्रोविंस या इंडिया के एक यूनियन टेरिटरी की तरह काम करेगा उसके बाद उन्होंने जो नॉन रेजिडेंट कश्मीर थे जो कि हिंदूज हैं या बाकी कम्यूनिटी के लोग हैं उनको कश्मीर में सेटल करना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी से और ये कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और अब यह जो डेमोग्राफी है ठीक है अब इसका होगा क्या कि जब कभी भी वो कहेंगे कि यूएन एन के तहत आप रेफरेंडम करवा लो तो वहाँ पर चूँकि हिंदू पापुलेशन ज़्यादा होगी तो वो इंडिया से इंडिया का साथ देंगे इंडिया में इंडिया की तरफ वोटिंग करना शुरू कर देंगे तो इस तरीके से ये जो इशू है ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान इसको हार जाएगा अब उसके साथ साथ आजकल जो सबसे तेज़ी आई हुई है वो इनकी इनक्रोचमेंट गवर्नमेंट की मशीनरी आती है वो उनके लोगों के घर घर घरों को तोड़ देते हैं वो लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश कर रहे हैं बहुत तेज़ी से और ये मॉडल हमने देखा ये जो मॉडल है ये हमने देखा पैलेस्टाइन में और ये वो अब हिंदुस्तान आ, हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर में इसको फॉलो कर रहा है अच्छा अब ये अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कश्मीर में एक पार्टी समझ ही नहीं रही वही समझिए कि अब ये हम यहाँ पे ऑल एंड ऑल हैं हमें यहाँ पर सब कुछ है और पाक, पाकिस्तान की यहाँ पे अब कोई ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान अब पार्टी नहीं रही नहीं रही हम कश्मीर में जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे और कश्मीरी जो हैं इंडियन खोफायट कश्मीर के लोग अगस्त 5 2019 के बाद बहुत ज़रा नाराज़ हैं बहुत ज़रा नाखुश हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल रिस्पॉन्स से क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया उनका पाकिस्तान ने डिप्लोमेट डिप्लोमेटिक चैनल्स पे इतना वाइब्रेंट नहीं रहा पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं बताया पाकिस्तान ने इस मसले को उस तरीके से उजागर नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था जिस तरीके से अपनी लॉबीज़ करनी चाहिए थी यूरोप में करनी चाहिए थी अमेरिका में करनी चाहिए कर चाहिए थी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में करनी चाहिए थी वो लॉबिंग नहीं हुई क्यों कि पाकिस्तान की अब ये जो हम देख रहे हैं पिछले नौ दस महीनों से देख रहे हैं या ट्वेंटी नाइनटीन के बाद देख रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ ये नहीं रही और आज कल जो जो गवर्नमेंट में हो रहा है आजकल जो पाकिस्तान का पोलिटिकल सैनैरियो है आजकल जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि कश्मीर के मसले को बस से पुष्ट डाल दिया गया कश्मीर हमारे लिए इशू रहा शूर नहीं पाकि कश्मीर जो कि कैर अजम रम्ला के मुताबिक पाकिस्तान पाकिस्तान की शहरक थी अब उसका वो जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई इशू रहा ही नहीं है अब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की स्टेट के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए दिस इज़ अ वेक अप कॉल कि भाई अभी भी जाग जाओ अभी भी उठो और इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये जो कश्मीर की कैंपेन है कश्मीर का काज है कश्मीर के जो लोग हैं उनके बारे में आप बात करें पूरी दुनिया को बताएं कि कश्मीर का केस क्या है और ये जो हिंदुस्तान डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है और ये जो इनक्रोचमेंट्स और ये सब चीज़ें और नॉन रेजिडेंट हिंदुओं के हिंदुओं को आकर वहाँ पे सेटल कर रहा है तो इसके खिलाफ पाकिस्तान को वाइब्रेंट किस्म की आवाज़ उठानी होगी इन्वॉल्व करना होगा जो स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर काज के जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको इंगेज करना होगा लेकिन वो इंगेज कैसे होगा जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी वो इंगेज कैसे होगा जब पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल होगा और ये 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 सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा जब चीज़ें कानून के तहत चलेंगी और गोरनमेंट्स को चलने दिया जाएगा जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी जो अवामी जिन लोगों को अवाम चूज़ करती है उनको बैठकर फैसले करने दिया जाएगा उसके बाद ये सब कुछ होगा और एक टूर्नामेंट में इतना इतना कॉन्फिडेंस आएगा फिर वो इंटरनेशनल सतह पे बात कर सकेगी और याद रखें अगर पाकिस्तान ने मजीद इंडिया को कुछ इवन के दस साल दे रही है या बीस साल दे रही है तो फिर पाकिस्तान को ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया ने कश्मीर को आज़ादी मिल सकती है या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान आ सकता है और आज भी कश्मीर के मुसलमानों के दिल जो है वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं और उन पर जो सितम हो रहा है उन पर जो की दास्तानें रचाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पाकिस्तान की स्टेट को इस बारे में सीरियस स्टेप उठाने होंगे थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान जिंदाबाद